तो आज हम बात कर रहे हैं बड़ी ही अच्छी टॉपिक पे। मुझे डेटा इंपोर्ट कराना है, मुझे डेटा इंपोर्ट कराना है, लेकिन क्या है कि मेरे पास जो डेटा है वो एक फोल्डर के अंदर में कई सारे फाइलों के अंदर डेटा है। अब जब फिलहाल तो 6 है, तो 600 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ फाइल नंबर 1 को ओपन किया। ओपन करने के बाद इसके अंदर आप देख पाए डेटा है। अब मुझे इस डेटा को सेम फॉर्मेट है, हेडिंग सबका सेम है, मतलब कि सेम टाइप का डेटा है, बट अलग अलग फाइल्स में। उन सारे फाइल्स का डेटा मुझे एक सेल एक सीट पे चाहिए, और फाइल कितने हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो उस केस में हमारे पास, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है जैसे कि 2016, 19 और 2021, तो गेट डेटा में यहां आपके सामने फ्रॉम फाइल आपको दिख रहा होगा। डेटा मेनू बार के गेट डेटा में फ्रॉम फाइल पे जाना है और सबसे लास्ट वाला फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करना है। फ्रॉम फोल्डर, इस फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका फोल्डर का लोकेशन, जो फोल्डर लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इस लोकेशंस को आपको एक्सेल में यहां डाल देना है। ठीक है, अब उस लोकेशन में डालने के बाद, सॉरी सॉरी, ये फोल्डर वाला ऑप्शन कहाँ से आया? मुझे तो नहीं आ रहा। ये गेट डेटा तो आया, एक बारी दोबारा कर दो। जी डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल, अच्छा, फ्रॉम फाइल, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम फाइल का सबसे लास्ट ऑप्शन फ्रॉम फोल्डर, फोल्डर। हाँ जी, हाँ जी, इस ठीक पे है। क्लिक कीजिए। अपना लोकेशन पे जाके अपनी फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके और ओपन। ओपन करने के बाद उस सेल फोल्डर में जितने भी डेटा है सबका फाइल लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। अब मैं यहीं पे लोड पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास उसकी फाइल के अंदर की डेटा लोड नहीं होगी, सामने जो आपको दिख रहा है ना सिर्फ वही दिख। हाँ जी। तो मुझे इसके अंदर का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंबाइन, और साथ में कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइन एंड लोड। फिलहाल हम कंबाइन पे क्लिक करते हैं, तो कंबाइन कंबाइन एंड लोड पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद देखिए यहां पे सारे फाइल का लिस्ट आ गया। अब हाँ जी। आपको ये चेक कर लेना है कि कौन से फाइल के अंदर सारे हेडिंग अवेलेबल। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, किसी में एक हेडिंग कम है, किसी में ज्यादा हुआ तो उसे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो फाइल को सिलेक्ट करूंगा, जैसे फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो फाइल नंबर 1 के अंदर जो हेडिंग है जैन टू दिसंबर, वो हाँ जी, इसी हेडिंग को लेके चलेगा। ठीक है। अब किसी में ज्यादा हेडिंग हुआ तो ज्यादा हेडिंग को ऐड नहीं करेगा, और किसी में कम हुआ तो उस हेडिंग को यहां उस फाइल के अंदर ब्लैंक कर देगा। जिस फाइल में डेटा उसका डालेगा, जिस फाइल में नहीं उसका ब्लैंक शो कर देगा। अच्छा। आपको यहां जो फाइल सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है वो फाइल जो आपका, जिसका डेटा सारे में अवेलेबल हाँ जी। है, हेडिंग अवेलेबल है। अब यहां पे किसी फाइल में हो सकता है एरर हो, मतलब कोई फाइल सही से अरेंज ना हो या हाँ प्रॉब्लम, जी। तो यहां आपको क्लिक करना है स्किप विद एरर्स, ठीक है। फाइल को स्किप कर देगा। उसके बाद जैसे हम यहां पे ओके करते हैं, आप देखेंगे पूरा का पूरा डेटा यहां शो हो गया। यहाँ पे सोर्स नेम भी दिखा रहा है कि फाइल है, दिख रहा है, हाँ जी। तो सारे फाइल का डेटा यहाँ पे आ गया। क्लियर है? हाँ जी। तो एक फोल्डर से कैसे डेटा लेकर आएंगे, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब हम बात करेंगे अगली टॉपिक में, पीडीएफ से डेटा कैसे लेके आना है।